मैं सुशीला सुखरियाल्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी। और अब उसके लिए मैंने ये जो चावल हैं, ये इन चावलों को हम यूज करेंगे। ये हैं गोल्डन सेला चावल, और ये मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं। और इसमें हम डालेंगे आधा किलो, मैंने चिकन लिए हैं, ये चिकन के पीस हैं, तो हम आधा किलो इसमें चिकन डालेंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। दोस्तों, अब मैंने ये चावल को वॉश कर लिया है, और अब हम गैस ऑन करके इनको, इन जो हमारे ये चावल हैं, इनको हम बॉईल करेंगे। बॉईल, जब ये बॉईल हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर इसमें इसको आगे का जो भी प्रोसेस होगा उसको हम आपको दिखाएंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ इलायची और काली मिर्च इसमें ऐड की हैं, और नमक मैंने ऐड किया है। दोस्तों, ये 5 मिनट हम इसको बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। तब तक हम यहाँ पे इसके लिए ये प्याज को हम चॉप करते हैं। तो बॉयल हो चुके हैं, और अब हम यहाँ पे तेल डालेंगे, क्योंकि अब हमें प्याज को फ्राई करना है। आप तेल अपने हिसाब से डाल सकते हैं दोस्तों। और ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद, तब तक हम देखते हैं कि हमने जो बिरयानी बना रहे हैं उसके साथ हमें चटनी भी बनानी है, लाल चटनी। इसमें मैंने डाले हैं टमाटर, लाल मिर्च और अदरक और लहसुन। इसको हम बॉईल करेंगे और फिर हम इसकी चटनी बनाएंगे अपनी बिरयानी के साथ। तो दोस्तों, अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, और इसमें हम इसको बॉईल करने के लिए, वो इसको हम फ्राई करेंगे। और ये जो हमारा प्याज है, इसको हम हल्का एकदम ब्राउन करेंगे, गोल्डन जैसा, ज़्यादा जल। तो दोस्तों, अब हमारा ये जो प्याज हमने फ्राई करने के लिए रखा था, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसको अलग निकालेंगे थोड़ा सा। इसको हमने निकाला, अब हम इसमें डालेंगे। इसमें ऑयल है दोस्तों, और अगर आपको लगता है कभी कि आपको हॉट डालना, तो आप डाल सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, ये लाल मिर्च और काली मिर्च, और ये बड़ी वाली इलायची। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे चिकन मसाला। तो इसमें हम ऐड करेंगे अब चिकन। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऊपर से ऐड करेंगे चिकन के ऊपर। हम 2 मिनट फ्राई होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दोस्तों ये अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट बना रखा है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी टमाटर प्यूरी हमने बना रखी थी,
इसको हम ऐड करेंगे। दोस्तों मैं बड़ी सिंपल तरीके से ये चिकन बिरयानी बना रही हूँ, क्योंकि इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब इसको 2 मिनट हम इसको पकने के लिए रख देंगे। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ये जो प्याज ब्राउन किया हुआ था, इसको भी हम इसको थोड़ा सा ऊपर से हम ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे ये हरे धनिया के पत्ते हैं और पुदीना के पत्ते हम इसमें ऐड करेंगे। अभी 2 मिनट हम इसको फिर और पकने के। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चावल को बॉईल किया था, ये चावल अब हम इस हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे चावल हैं जो बॉईल कर रखे थे, इनको हम ऐड करेंगे। और इसमें हम ये डालेंगे ये जो हमने प्याज को फ्राई कर रखा है, ये हम ऊपर से ऐड करेंगे। और ये धनिया के पत्ते और ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे बचे हुए चावल हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और ये जो हमारे फ्राई वाले चावल थे उसमें डाल दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो हमारा कलर है, दोस्तों ऊपर से हम हल्का सा नमक डाल देते हैं चावल में, और हमारी जो बिरयानी है इसको हम अच्छे से पैक कर देते हैं। दोस्तों अब हमारी ये जो बिरयानी है ये बिल्कुल बन चुकी है, बट हम इसको अभी 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल कम सिम पे छोड़ देख सकते हैं कि जो हमने चिकन बिरयानी बनाई थी वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये हमारी चिकन बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी चिकन बिरयानी तैयार हो चुकी है और ये इसके साथ चटनी भी है। तो दोस्तों ये आज हमने चिकन बिरयानी बनाई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो वेरी मच।